अभी थोड़ा बाद में जाइए। नहीं, कौन देता है ये? निगरानी समिति देती है या बाद में
हॉस्पिटल से टीम जाती है, हॉस्पिटल का टीम घर पहुंचा दिया जाता है। इस गांव में कितने लोगों को आप लोगों ने दवा दी होगी? इस समय सात। कौन है आशा? कौन है इस गांव में? चार लोगों को। कितने लोगों को यहाँ पे कोरोना की वो हो रही थी, शिकायत थी? सर चार। तो उन लोगों को सबको दवा नहीं दी? दवा दो दो इस बार हो गए नॉन कोविड, दो सही हो गए, दो इस समय। उन लोगों को दवा नाम है कि जब आप लोग बाहर घर घर जाते हैं उसी दौरान इससे जुड़े हुए लोगों को मेडिसिन किट पहले चरण उपलब्ध करवा देंगे ना, तो बाद में व्यक्ति की स्थिति खराब नहीं होगी। पीछे हो रही है ना? पीछे। पहले ही चरण में दवा देना है और यही निगरानी समिति का काम है, फिर उनकी सूची बना देना है। नाम भी सर्दी जुकाम है, दवा ले ली उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और उसको समय से उसने दवा नहीं दी उसके लिए बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए सावधानी के लिए निगरानी समिति को ही कहा गया है कि निगरानी समिति पहला काम तो करे कि गांव में स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करे, बताएं गांव में हर व्यक्ति को बोले कि घर के अंदर भी जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, के बाद उनको भी जोड़िए, उनका भी मदद दीजिए, जिससे एक अभियान चलना चाहिए कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, जांच करवाइए और फिर उसके बाद तब गांव में जाए। नातेदारी को कोई आता है, रिश्तेदारी आता है, पहले उसकी जांच जरूर करवाइए, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति गांव में चला गया, किसी परिवार में बैठ गया, पूरा गांव उससे संक्रमित हो सकता है, पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है, फिर असावधानी में पूरा गांव उसकी चपेट में आ सकता है। टीका लगाने के लिए आए हैं पिछले तक क्यों नहीं आया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिश्रा को मिर्जापुर की घोषणा के टीकाकरण के लिए यहाँ पर आए हैं। उनके सेकेंड फेज हमारा तकरीबन 22,000 कल तक लगी चुका है, जानकारी कर रहे हैं, वस्तु स्थिति समझ रहे हैं। लगा देते हैं, चलो पीछे जाओ, ठीक है। संजय भाई चलो चलो आगे।